हाँ, तो आपके क्लास में कौन सी सबसे अच्छी कहानी है जिससे हमें कोई शिक्षा मिलती है? दानी पेड़। क्या? दानी पेड़। हाँ प्लीज़ बताइए, सुनाइए। एक पेड़ था और एक बच्चा था। वो दोनों आपस में बहुत बड़े दोस्त थे। एक दिन बच्चा पेड़ के साथ लुका छुपी खेलने आता। उसके साथ वो लुका छुपी खेलता, बहुत कुछ खेलता, उसके मतलब कि फल की माला बनाता। अच्छा। सारे फल की माला नहीं, फूलों की माला बनाता और उसे पेड़ के तने पर चढ़ा देता। अच्छा, फिर? और एक दिन धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता गया। एक दिन बहुत दिन से बच्चा नहीं आ रहा था पेड़ के साथ खेलने। पेड़ को बुरा लग रहा पेड़ होगा। बहुत उदास हो गया। ओहो, एक दिन बच्चा आया, वो अच्छा। बहुत बड़ा हो चुका था। ओ उसने कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे बहुत सी चीज़ें खरीदनी पेड़ ने है। बोला, बच्चे ने बच्चे ने बोला? बोला, मुझे अच्छा बहुत सी चीज़ें खरीदनी है। हाँ। पेड़ बोला, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, मैं तुम्हें पैसे कैसे दूँ। बिल्कुल, फिर पेड़ ने बोला, तुम मेरे सारे फल तोड़ के बाजार में बेच दो, क्या उससे बात तुम्हें है। कुछ पैसे मिल सकते हैं। ठीक। बच्चा सारे फल तोड़कर बाजार में बेचे गए ले गया। पेड़ फिर भी खुश था। खुश था। एक दिन फिर बच्चा नहीं आता, पेड़ बहुत दुखी होता। एक दिन जब बच्चा आता तो उसे कहता, मुझे नाव चाहिए, मुझे एक घर चाहिए, मुझे मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए। पेड़ ने कहा, अच्छा मेरे पास तो घर नहीं, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काट कर घर बना लो। वो ठीक है। लड़का सब पूरी शाखाएं काट कर घर बनाने ले गया। एक दिन फिर बच्चा नहीं आता, पेड़ बहुत उदास होता। बच्चा बहुत बड़ा हो गया था। बच्चे ने कहा, मुझे नाव बनानी है, मुझे नाव चाहिए। पेड़ ने कहा, मेरे पास तो नाव नहीं, लेकिन तुम मेरे तने काट कर नाव बना लो। बहुत दिन तक बच्चे नहीं आने पर एक दिन एक बूढ़ा आता। बच्चा पेड़ बहुत समझ जाता कि वो ही बच्चा उसका दोस्त है। जब वो बूढ़ा उससे पूछता है कि तुम मुझे इतनी चीज़ें क्यों दे रहे थे, पेड़ ने कहा कि मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ दे रहा था। अब मेरे पास ना तो थूट बचा, अब ना तो तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। फिर बूढ़े ने कहा, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, तुम देख रहे हो मेरे सारे दांत टूट गए हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। पेड़ ने कहा, तुम मेरे ठूठ पर बैठ जाओ, पेड़ ने कहा। अच्छा। इससे तुम्हें शांति मिलेगी। दी एंड।